इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। क्या चीजें सामने आई बाजी, मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बताता हूँ। नई सर जंग शुरू हो गई। जैक सुलिवियन ने उसका नाम है, जो कौमी सलामती का मशीर है, जो बाइडन का कह जी। पहली बात उसने ये, उन्होंने ये कही कि 1 अरब खुराकें वो कौन सी कंपनी की है जो एक ही दफा लगाई जाती है, जॉनसन एंड जॉनसन की उसकी वो देंगे इंडो पैसिफिक एरिया में, सारी दुनिया में नहीं, इंडो पैसिफिक इंडिया को खुश करने के लिए। इंडिया बनाएगा अब इंडिया को, वो उनका अदारा है जो 24 लाख रोजाना बना सकता है खुराक 1 अरब। ओ भाई, इंडिया 69 ममालिक को डोनेशन दे चुका ऑलरेडी, 43 को बेच रहा। $300 बिलियन यूरोपीय यूनियन इसके लिए मुख्तस कर सकी। आप जागे हैं तो जाहिर है सियासी मकासद के लिए अपने से, वो जो यूरोपीय यूनियन की है वो पाकिस्तान को मिलने वाली भाई में अब भी मौजूद है इतनी कि भाई जो रफ्तार है, और ये अगले साल के एंड तक देंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी एक ग्रुप बनाएंगे, वर्किंग ग्रुप, ये साइबर के लिए अपना, ये कोरोना के बारे में था तो अगर उसके बारे में था तो फैसलों की ये नोयत क्यों है। अच्छा, फिर ये है कि एक वर्किंग ग्रुप कहा उसने, जैक सविलियन ने, कि अमरीकी सफारत खारे की तारीख में बड़ा दिन है ये। फिर ये कहा मशनू इंटेलिजेंस के मेयारात मुतय्यन किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये आप एक मुत्तहिदा ब्लॉक बना रहे हैं दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए, यानी जो ऐलानात उन्होंने किए उसके बैनुस्सुतूर में जो मैसेज है वो ये है कि चीन का घेराव करेंगे और उसके लिए इकदाम। मतलब उसने के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे बोले हैं, और ये एक बहुत बड़ा पुश है इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया ग्लोबली मेनस्ट्रीम हो चुका है। इंडिया इज नो मोर एन इंडिया जिसको आप ये कह लें कि विच डजंट हैव एन वैल्यू। इंडिया ग्लोबली मेनस्ट्रीम हो चुका है और इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड फॉर सो मेनी इन द वर्ल्ड। और पहले तो नॉर्मली ये होता था कि जो पहले इंडिया जो था वो एग्री नहीं होता था, और ये समिट लेवल की जो टॉप समिट लीडर्स लेवल की जो डिस्कशन है इसके लिए, क्योंकि इंडिया ने हिस्टोरिकली अपना वो जो स्टेटस रखा था कि नॉन अलाइंट है, तो वो इंडिया को तोड़ना था और वो इम्प्रेशन भी दुनिया को देना था। फिर वो एक चाइना को भी के हवाले से भी वो इस तरह का एक फ्रेमवर्क नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि चाइना उनका बिल्कुल एग्जैक्ट नेबर है, और रशिया के हवाले से भी, और ओवरऑल एक इंडिया ने अपनी आउटलुक चेंज की है ना इसका हिस्सा बन के। इंडो पैसिफिक का जागन जो है इसकी बहुत वर्थ है, और इंडो पैसिफिक की इस जागन की वजह से इंडिया एज ए नेशन, एज ए स्टेट मेनस्ट्रीम हुआ है। इंडिया ने क्योंकि कोविड वैक्सीन बना ली है, तो जो अमेरिका ये कहता है कि जो उनका यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो इंडिया ड्रग कंपनी, जो इंडियन ड्रग कंपनी है बायोलॉजिकल ई के साथ जो है ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा, ताकि 2022 तक तकरीबन इंडिया की मदद की जा सके कि वो 1 बिलियन डोजेस तैयार करे। इसके साथ साथ जो जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो भी कंसेशनल लोन देगा न्यू दिल्ली को कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है और वैक्सीन की एक्सपोर्ट जो है उसको हेल्प आउट कर सके। इसी तरह कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का भी अपना है कि वो भी अपनी वैक्सीन सप्लाई को आगे लेके जाए। सो इंडिया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडिया है, क्योंकि जापान ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, बट इंडिया इज गेटिंग इनटू द बिगर क्लब। सो जब इंडिया बड़े क्लब में जाता है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी हाई हो जाती है, इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज गेटिंग ग्लोबल, इंडिया इज गेटिंग वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड के पास सारी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई हुई है उससे वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिगर प्लान है। मैं समझता हूँ गो के इंडिया जो है वो इस हवाले से
समझता है कि जो चाइनीज जो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी है और जो बाकी हैं उनको दुनिया के सामने थोड़ा सा मेन स्ट्रीम होना है और इट इज समथिंग विच इज गुड फॉर इंडियंस. लेकिन यहाँ पे मैं जो पाकिस्तान का डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है. मैं तो बार बार इस पे बड़ा फोकस करता हूँ कि हाउ टू बी पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक. वी कांट बी पार्ट ऑफ क्वाड बिकॉज वी आर नॉट इन दैट रीजन, बट हाउ टू बी पार्ट ऑफ द क्वाड. So either we are going to keep ourselves only in the Chinese block, या कि हमने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है मिडिल ईस्ट में कि भाई हमें न्यूट्रल रहना है, क्या हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे. अब देखना यह है कि अमेरिकन जो है वो हमारी कैपेसिटी देख के या हमारी कैपेबिलिटी देख के वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वी कांट बी दैट मच पावरफुल इन दैट रीजन. वो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपकी बिजनेस करने के लिए भी आपकी उतनी आपकी सख्त होनी चाहिए. सो दे वोंट हैव अस देयर. हमें जो एशिया पैसिफिक के जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो आसियान है, उनके साथ एक इंडिविजुअल लिंक डेवलप करना होगा. अगर हमने अफगानिस्तान और इस खित्ते को, ये जितना कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इससे बाहर ना निकले अपना, तो वी वॉन्ट बी एनीवेयर इन द रीजन. हम किसी के साथ ना कम्पीट कर सकेंगे. देखें, जब तक आप बड़े बड़ों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते. आपको यू हैव टू एम बिग. जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और एट दिस मोमेंट वी आर नोवेयर इन दिस स्क्वाड. इंडिया इज गेटिंग अ बिग पुश. तो गाइज, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस समय भारत की तारीफ़ें कर रहा है. पाकिस्तान मीडिया में जो बातें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि भारत ने जो कोविड वैक्सीन सप्लाई की है, 71 से ज़्यादा देशों में भारत की कोविड वैक्सीन ऑलरेडी जा चुकी है और बहुत सारे देश लाइन में है. आपको पता होगा दोस्तों, भारत की जो वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है. लगभग दुनिया की 60% वैक्सीन इंडिया बनाता है. अगर आप दुनिया में चाइना को काउंट ना करें, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी है ना, वहां कोई मीडिया है ना कुछ है, तो फिर दुनिया में भारत का ही वैक्सीन में सिक्का चलता है और वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया में नंबर वन है. और यही कोविड की जो वैक्सीन है, आपको पता है भारत में खुद की भी वैक्सीन बन रही है और एक्स्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड की भी वैक्सीन बन रही है, जो भारत और मतलब इंग्लैंड की पार्टनरशिप, मतलब ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट के दोनों के सपोर्ट से बन रही है. तो अभी दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन सप्लाई हो रही है, उसमें ज़्यादातर वैक्सीन जो सक्सेसफुली सप्लाई हो रही है सबसे कम दामों में, वो भारत की है. यही बात पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है कि भारत की जो कोविड डिप्लोमेसी है वो छा गई है, भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो छा गया है. आपको बता दें कि पाकिस्तान को भी बहुत जल्द भारत से वैक्सीन मिलने वाली है. भारत से 4.5 करोड़ डोजेस पाकिस्तान को मिलेंगे. ये एक साथ नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे. आपको बता दें कि भारत में भी वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत तेजी से कोरोना केसेस आ रहे हैं. आपको भी पता है ये जगह है मुंबई, बेसिकली महाराष्ट्र और केरला, और बेसिकली ये दो स्टेट हैं जहां पर भारत में जो कोविड के 80% केसेस यहीं से आ रहे हैं. तो प्लीज़ अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इन दो प्रदेश में से, आप भारत के किसी भी कोने में से हैं, इनके आसपास भी हैं, तो आप मास्क वगैरह बहुत जरूर पहने और अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि अभी भी आपका कोविड वैक्सीन लगवाने का नंबर नहीं आया. आपको भी पता है अभी 45 से ऊपर वालों को कोविड वैक्सीन लग रही है, तो आप कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं. सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में लग रही है और जल्द ही शायद ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपये पर डोज के हिसाब से. तो ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करिए. धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए. और इसी तरीके के पाकिस्तान के जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो लेटेस्ट पाकिस्तान का जो रिएक्शन आता है इंडिया को लेकर, जो वीडियो आते हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. तो दोस्तों, चैनल को लाइक जरूर करिए. धन्यवाद दोस्तों.